इसका तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पूरी दरोगा भी जाते हैं, साल से दाग रहे हैं, सगड़ो दाग रहे हैं। भीम कुमार, शत्रुघ्न कुमार, मंगल कुमार, कुंदन कुमार और अंकित कुमार अभी मारा। मतलब आपका पांचों बेटा को मार दिया? हाँ, पांचों सांप। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैं अभी जनता दरबार में हूँ। जनता दरबार में यहाँ पे नीतीश कुमार जी के द्वारा सचिवालय में हर मंडे जनता दरबार लगाया जाता है। कुछ मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जनता दरबार नहीं जा पाते, कुछ फरियादी होते हैं जो यहाँ पे सचिवालय के बाहर रहते हैं। आइए कुछ फरियादियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। आप यहाँ पे फोटो दिखा रहे हैं, ये क्या है, इसका कहानी बताइए। फोटो इसका तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पूरी दरोगा भी जाते हैं, साल से दाग रहे हैं, सगड़ो दाग रहे हैं। मारा है वो भी, मैं कुछ क्या मारा है आपका बेटा का? गोतनी मारी से, गोतनी के बेटा पोता सब मारी से सर, मरवा दिया, पकड़ के गोली, भाग गया था। पिस्टन देखे ना बाबू, भाग गया उसका, हींच के बाहर अखबार के खड़ी खड़ी गोली मरवा दिया। यही लड़का है, देखिए कौन मारा इसको गोली। गोली मारा है गोतनी के पोता मारा, सोनू। हाँ। सोनू बीन मारा है सर। हाँ। उसका कोई सुनवाई नहीं है। राजकुमार है, सागरों गए हैं, थक गए एकदम, जाते जाते हम बेदम। बच्चा आपका मर गया? हमको पाँच गो, पांच को बच्चा को मार दिया है। पांच को, जब आज हो गया एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, ऐसे करके मटर किया सर। क्या दिक्कत, काहे मारा? काहे मारा, देखिए हम घर उठाए हैं, शादी इसका लगल था, बट जब हम ट्रेन में चलते हैं तो हम तो चल जाएंगे सचिवालय, ठीक है, फल फूल बेचे आवे थे, एप्लीकेशन दिए थे यहाँ मुख्यमंत्री। आओ, मतलब है कि बहू कहाँ जाएगा, ब्याह होगा जा, वही सब कुछ बना दिए हैं, सगड़ो दे दिए हैं, बाकी कोई सहारा नहीं है बाबू, कोई सहारा नहीं। पुलिस का तो हम मराए ना जाएंगे थाना, कि हम नहीं जाएंगे, ताला खोला भाई, आपको घर है आप खोल जाइए ताला, हम नहीं जाएंगे, हमको मराने जाओ भागो, ये कहता है बैपात थाना। आप जाके कथी किए थे, एफआईआर किए थे? हाँ सर किए हैं, किए सर। आप कहाँ से आए हैं? हम पटना सिटी से आए हैं। पटना का ही घटना है? हाँ, पटना सिटी में कहाँ की? वहाँ चुन्नी महतो के एकदम चौराहे पर ले जाकर बेटा के मारी से। मौर्या लोग के कोना पीछे हुआ जनता दरबार में एप्लीकेशन दिए हैं? नहीं दिए सर। क्या लगता, पुलिसो मिलल है? हाँ मिलल तो है, ये पुलिस थाना मिलल है? हाँ मिलल है, चार पाँच लाख रुपया ले लिया है बैठ गया। पाँच लाख रुपया लेके आपका पाँच का बेटा का मटर पचा लिया? हाँ, ले के बैठ गया। मरवाने वाला गोती मालती देवी, जमूर्ति देवी, अथी कुछ बोले सोनू बिल्डर, ये मटर करवाया है। आपकी गोतनी? अपनी गोतनी। हाँ अपनी गोतनी। इसमें आपका देवर कहाँ तक है? हम सबसे छोट है। सबसे छोट है? हाँ, सबसे। आपका नंदोशी का इसमें हाथ होगा, जो बड़ा है आपका थी, बड़ा क्या बोलता है उसको? उसका मोबाइल रखी। हाँ परमा, मेरे भैंसुर के नाम भैंसुर। हाँ, आपका भैंसुर का भी हाथ हो सकता है? हाँ है, ये है सर। यानी गोतनी और भैंसुर दोनों मिलवा के अपना भतीजा को मरवा दिया? हाँ मरवा दिया। अब पाँच को भतीजा को मरवा दिया? हाँ मरवा दिया। साथ में जो आया है कौन है आपके? ये हमको पति है। पति भैया, थोड़ा आप बताइए क्या कैसे क्या हुआ, आपका भाई अपना भतीजा को मरवा देता है, क्या दिक्कत है? तो पारिवारिक झंझट, संपत्ति का मामला है। हाँ थोड़ा सा थोड़ा खड़ा हो जाए। और हम अपना उठाए हैं, मेरे जगह मेरी जगह है, अभी पाँच छः फीट छोड़े हुए हैं। हाँ। वो भी छोड़ के बना है। अब कहे इसकी तोरा 10 रोज में बेटा के अबरी कफन ला पैसा रख ले, अब मकान छत्ता ना पाट में, और 9वें रोज पर मेरे बेटा के गोली मार दिया। 9वें रोज में मार? हाँ, ले जाके बुला के ले गया घर के सामने वाला, और वो बेटा के 3 गोली पकड़ के मरवाया है। पुलिस कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं, पुलिस इन्हें गोली मारता है, उन्हें पुलिस उठा के ले जाता है। वो तो आदमी लगा पीछा, तब वो कैसे कैसे हॉस्पिटल में पकड़ाया, नहीं तो लहासो गायब कर देता। लहास भी नहीं मिलता? हाँ। क्या बेटा के लहास नहीं मिला? ना मिला तो सब बेटा के लहास मिल गया। हाँ, पांच वो बेटा के मारा एकाएकी,
चार गो के बाल बच्चा बचल अब एको भी नहीं है। नहीं दू गो बेटी है। अब बेटा सब मर गया है। सब पांचों बेटा ये लास्ट बेटा था एक तीन गोली मार दिया। कब मारा है? पूस के महीना पर है 16 तारीख के। अब इतना दिन से केस लड़ रहे हैं कोई उपाय नहीं एकदम हुआ? कोई नहीं, थाना दौड़ रहे हैं। एगो ने अभी तक अथी हुआ है? कुछ नहीं, एसपी तक दिए हैं, कलेक्टर तक दिए हैं, जे तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो यहाँ एप्लीकेशन नहीं दिए जनता दरबार में मिलने का? सगर दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं है सर। और पर क्या बोला आपको? गए थे तो लालू प्रसाद ही बेचारा बोलिन कि फोन कर दा है थाना तो बड़ा अबू है जो रिश्वत लिया हुआ ये सब कुछ करे लायक नहीं है। जिससे आप आए यहाँ नीतीश कुमार से मिलने तो काहे नहीं मिलने दिया आपको? नहीं मेरा कहते है कि कोई चीज बना ले तो हमने के जानकारी नहीं तो कोई चीज बना में नहीं, पहले ऑनलाइन होता है ऑनलाइन बनवा के मिलिए। तो ऑनलाइन हमने के जानकारी नहीं है सर, अब कैसे हम करें? आप क्या चाह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले? हाँ तो इंसाफ नहीं मिलेगा सर, मेरा मकान में ताला लगा दिया यही दोनों। ये लगा दिया मालती देवी? काहे लगा दिया आपका मकान में ताला? कहता है कि हमर बेटा के केस पैसा खर्च हुआ है, हमर बेटा के लूट लिया और मेरियो अभी गोली मार देते। नहीं कोई मदद नहीं पुलिस देता है, झूठ मूठ के कहता है, ना एगो रुपया मेरे मिला कभी। क्या आपका नाम हुआ? लक्ष्मी बेलदार। और आपका माता जी क्या नाम हुआ? सुमंगली देवी। पाँचों बेटा के मार दिया, अब कहता है कि अब कुछ और मार ही दिलियो तो अब तोरा घर देवाओ। मेरा आधा कट्ठा से कम है, ऐसा कोई है तब कहिए। मेरे ताला लगा दिया, गेने उन्हें भटक रहे हैं दोनों परानी। बस अब मेरे कौन है? बेटी है दो गो तो अपन अपन घर है, दिल्ली है ढाका, तब वो बुला रहा था, वो उन्हें कहा गया। अब मेरी ऊपर मार दिया ना? हाँ मेरी ऊपर केस भी डाला है कि गोली मारा है उल्टे आप ही पे। हाँ कि गोली मारा है बेटा को मारने काफी का जुलूम दिया है। ना ना वो मेरे गोली मारा था ना तो उसी को हाथ में लग गया, अब दहना में लगा कि बाया में हमने नहीं जानी ये हाथ में। अब बोलता है क्या फी मारे? हाँ अब मेरी पर केस हमारे बार तुरंत केस कर दिया था ना, और उसका कोई केस के मालूम नहीं दे रहा है न पकड़ धकड़ का, खाली कहता है चुप रहो ना पकड़ेंगे, चुप रहो ना पकड़ेंगे। एक को दिन नहीं पकड़ा है, खाली एगो के झूठ मूठ दारू दोनों बेचता है, और दारू भी बेचता है। हाँ दारू बेचता है, रिवॉल्वर लेके दारू बेचता है, उसको पकड़ा जाए कि ना रिवॉल्वर, दारू लेके रिवॉल्वर बेचता है। हाँ बेटा को मार दिया फिर भी पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ रहा? नहीं पुलिस एकदम पैसा लेता है, महीना तो महीना पैसा बंधा हुआ है। हाँ ठीक है धन्यवाद। तो आपने सुना इस वीडियो के माध्यम से किस तरह है? आपको मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ, ये बुजुर्ग दंपत्ति है, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, इस बुजुर्ग दंपत्ति का शराब माफिया के द्वारा इनके पांच बेटों की हत्या कर दी गई, इनके घर में ताला लगा दिया गया, मगर पुलिस प्रशासन, बिहार का पुलिस प्रशासन, जिसके कि लोग दम भरते हैं कि बिहार का पुलिस प्रशासन सभी पुलिसों से अच्छा है, मगर बिहार का पुलिस प्रशासन कितना भ्रष्ट है इसका जीता जाता नमूना ये दो लोग हैं, जिनके पांच बच्चों को मार देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने वीडियो में साफ सुना, इनका कहना है कि पुलिस उन माफियाओं से मिली हुई है, पुलिस को जो माफिया है वो मंथली में पैसा देते हैं, जिनके कारण आज यह जनता दरबार में आए हैं, यह नीतीश कुमार से भी नहीं मिल पाए हैं, यह पाँच बच्चों को खो चुके हैं, उल्टा इसी पे FIR आया है और इनका घर और मकान में ताला लगा। यह घटना कहीं गांव ग्राम की नहीं है, यह घटना पटना सिटी की है। तो आपको यह मेरा खबर कैसा लगा? ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।